हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली पबजी मोबाइल का ग्लोबल बीटा आ चुका है 1.3, और ये कुछ कुछ बंदे लोग के लिए अवेलेबल है। बाद में बताऊंगा कौन कौन बंदे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देख पर आपके सामने एक लोडिंग स्क्रीन आ चुका है, और ये है थर्ड एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव लोडिंग स्क्रीन, और इसमें बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ। अगर आप ये पॉज करके देखेंगे, या मैं आपको डिस्कॉर्ड में एंड टेलीग्राम में अपलोड कर चुका लोडिंग स्क्रीन, इसको देख के आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहला जो चीज़ आपको समझ आ रहा है कि ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बेस हम लोग को इरेंगल में देखने को मिलेगा। जैसे हर एक बोल सकते हैं एनिवर्सरी में एक आपको पता है डेडिकेटेड एक जगह बनता है जहां आपको बहुत सारा लूट मिलता है, तो इस बार जो बेस आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेसशिप से मिलता जुलता है। और जब मैं स्पेसशिप का नाम ले रहा हूं तो रॉयल पास भी हम लोग स्पेसशिप से मिलता जुलता ही आने वाला है सीजन 18 का। नियॉन कलर तो यूज़ हो गया ही भाई, एनिवर्सरी अपडेट है। उसके साथ साथ मैं आपको आज और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि स्पेसशिप से मिलता जुलता है। उससे पहले आप देख पा रहे कि हम लोग का बीटा वर्जन खुल चुका है, और ये जो बीटा वर्जन है कुछ कुछ बंदे लोग के लिए अवेलेबल होगा। और मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी लिंक मिल जाएगा, बट आप तभी डाउनलोड कीजिएगा आपके पास ये बीटा वर्जन कोड हो, क्योंकि आप ऐसे भी बीटा वर्जन को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये कोड कहाँ से मिलेगा, देखिए कुछ कुछ बंदे लोग का या कुछ कुछ अकाउंट में ऑलरेडी बीटा टेस्ट का कोड आ चुका है। तो आपको अपना मेन आईडी खोलना होगा, मतलब जो आपका ग्लोबल अकाउंट है वो खोलना होगा। इधर से आप अपना पबजी मोबाइल खोल लीजिए, और ये जो कोड है कुछ कुछ अकाउंट में ही आएगा, सब अकाउंट में एक कोड आपको मिलेगा नहीं। मैं तो रजिस्टर किया था इसलिए मेरा अकाउंट में आ चुका था, पिछले बार मुझे नहीं मिला था, बट इस बार मुझे कोड मिल चुका है। बट कुछ कुछ रैंडम अकाउंट में भी पबजी मोबाइल ये कोड भेज देता है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा आपके अकाउंट में कोड आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो बीटा वर्जन डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है, गेम ओपन नहीं होगा। आप जब तक कोड नहीं डालेंगे गेम के अंदर तो वो खुलेगा ही नहीं बीटा वर्जन, ठीक है। तो कोड कहाँ से देखना मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप देख पर इवेंट आपको क्लिक करना, इधर आप देख पर रिकमेंडेड, और आपको बीटा टेस्ट इन्विटेशन आपको दिखाई दे रही है, ये वाला ऑप्शन रहना चाहिए आपके ग्लोबल आईडी में। आपका ग्लोबल आईडी में अगर बीटा टेस्ट इनविटेशन है तो आप आराम से बीटा टेस्ट को चला सकते हैं। और ये बीटा टेस्ट का कोड कैसे मिलेगा, आपको सिंपली करना ये है कि आपको अगर इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं तो वीपीएन ऑन कर लीजिए, कोई भी सर्वर का वीपीएन। जैसे ऑन करेंगे तो आपको इसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, अभी तो ये एरर दिखाएगा क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, ये आपको पता है जब तक आप वीपीएन यूज़ नहीं करेंगे तो ये पेज हटेगा नहीं। और जैसे आप वीपीएन ऑन करके इसमें आएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड को सिंपली कॉपी करना है, और उसके बाद आप बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बीटा वर्जन को डाउनलोड करके आपको कोड डालने का ऑप्शन आएगा, वो कोड डालेंगे तो आपका ये वाला अकाउंट खुल जाएगा। ये कोड सिस्टम इसलिए इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि कभी कभी बीटा में बहुत जन हैक्स यूज़ करता है, तो अगर हैक्स यूज़ कर रहे हैं और गेम का एनवायरनमेंट बिगाड़ रहे तो पबजी मोबाइल ये चाहता है कि अगर आप हैक यूज़ कर रख कीजिए, बट अगर हम लोग डिटेक्ट कर लिए तो आपका ये वाला बीटा वाला आईडी बैंड नहीं होगा, आपका ग्लोबल वाला आईडी बैंड हो जाएगा पेनल्टी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखें, ये जो मेरा आप देख पर अकाउंट है, ये बीटा वर्जन का अकाउंट है, इसमें अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूँ तो मेरा ये आईडी बैंड नहीं होगा, मेरा जो मेन आईडी है ग्लोबल वाला वो बैंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ को किया गया जिससे फेयर एनवायरनमेंट बने रहे, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो चीज़ है वो काराकिन, मैं आपको पैच नोट में दिखाया था, तो काराकिन आ चुका है, आप गेम प्ले खेल सकते हैं। अगर आपका बीटा आप डाउनलोड किया, आपका कोड है, तब काराकिन अभी से खेल सकते हैं। इसका गेम प्ले वीडियो मैं कल डालूंगा, आज नहीं डालने वाला। बट एक चीज़ है कि सैनोक को फिलहाल के लिए हटा दिया गया, मुझे कन्फर्म ये नहीं है कि ये ग्लोबल वर्जन में हटे या कि नहीं, क्योंकि अगर हटता भी है तो टेम्पोररी बेसिस में हटेगा, और चांसेस है कि नहीं हटे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मतलब काराकिन के बाद जितना भी मैप आएगा वो सीजनल मैप है। पीसीसी वर्जन का हम लोग कंपेयर करें तो पैरा में वो जो मैप है वो परमानेंट मैप नहीं है, उसके साथ साथ हेवन भी अभी लॉन्च हुआ तो हेवन भी परमानेंट मैप नहीं है। तो इसके बाद मतलब काराकिन के बाद जितना भी मैप्स आएगा वो आप बोल सकते हैं कि एक टेम्पोररी बेसिस मैप होगा, सीजनल टाइम में आएगा फिर वापस चल जाएगा। बट काराकिन तक जितना भी मैप है वो सब कुछ परमानेंट है, बट अभी फिलहाल के लिए सैनोक किस लिए नहीं है मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हम लोग अब वेट करेंगे। तो काराकिन का गेम प्ले कल आपको दिखाई देगा, फिलहाल के लिए आज ये वीडियो में हम लोग एरिना में जो मैं बोला था कोड सी नाम का एक एरिना मैप आने वाला है, जो कि आप बोल सकते हैं एकदम एक्सक्लूसिव, आपको मैं आज यही वीडियो में गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो क्या चलो मैं आपको ये मैप का अंदर ले जाता हूँ। ये मैप का नाम है कोड सी, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, ये टीडीएम मैप है, और ये जो मैप आपको दिखाया था स्पेसशिप का ऊपर मिलता जुलता है, मतलब जैसे कि बताया कि सीजन 18 भी स्पेसशिप से मिलता जुलता होगा, एनिवर्सरी भी स्पेसशिप से होगा, तो एक एक्सक्लूसिव स्पेसशिप से मिलता जुलता टीडीएम मैप भी पबजी मोबाइल बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, नूब सभी खराब है क्योंकि मेरा जो की मैपिंग है, मैं फोर फिंगर खेलता है, टू फिंगर का की मैपिंग खेलने नहीं आता, पिंग हाई है। मेन
मोटिव है या वीडियो बनाने का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो नया मैप है कैसा देखने में है। जिन जिन बंदे लोगों के पास अभी बीटा वर्जन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा गेम प्ले को देखिए। इसमें आपको एक बीच में एरोप्लेन दिखाई देगा, पीछे से आप गन सब ले सकते हैं, बहुत सारा सीक्रेट रोड है, अंदर ही अंदर आप जा सकते हैं आपके एनिमी का बेस में और इजीली उसको किल कर सकते। बहुत अच्छा मुझे ये मैप लगा, बहुत छोटा सा मैप है बट बहुत ही बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा क्योंकि इसका अलग अलग लेयर है, मतलब ऊपर भी आप जा सकते हैं नीचे भी आ जा सकते हैं और मुझे लगता है कि सीओडी का थोड़ा बहुत कॉपी भी है। सीओडी मोबाइल का भी एक ऐसे ही मैप है जिसमें ऊपर भी आप जा सकते हैं सीढ़ी से, नीचे से भी आप जा सकते हैं और वैसे ही किस्म का मिलता जुलता एक बनाया गया मैप, इसका नाम है कोड सी। तो ये मैप का जो गेम प्ले इसको इन्जॉय कीजिए, वैसे जब आ जाएगा आपके पास तब तो इसको पूरा जी जान से खेलने वाले। तो आप जैसे कि देख पा रहे कंटेनर्स है, उसके साथ साथ आप देख पाएंगे नीचे से टनल्स है, ऊपर से भी आपका एक सीढ़ी मिल जाएगा, प्लेन है और एक बेस से आप दूसरा बेस इजीली जा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये मैप होने वाला, बहुत लोगों को ये मैप अच्छा लगने वाला। तो पूरा गेम प्ले को इन्जॉय कीजिए, मेरा काम इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। The match is over, and the blue team is in the lead.
to win. The blue team is heading to a perfect win.